नमस्कार रामेश्वर को स्वागत करछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो पूणी कंदाइला प्याज बजारे परिवादर आकाश छुआ रातराति 60 छुइला प्याज मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वाई प्याज दर बढ़िबा कथा कहिपारु 24 घंटा भितरे किलो प्रति बढ़िला 30 टका श्रीमंदिर सम्मुखें गाड़ी रखे विधायक हटहटा नियम उल्लंघन कर श्रीमंदिर सम्मुख को गाड़ी नेबा पड़ा महंगा कार्यानुष्ठान दाबी विभिन्न मलर दाबी होगापर शेषे चांदवाली विधायकों ना कटिला चालाण विधायकों गाड़ी उपर 2000 टंका फाइन टाटा पावर कार्यालय काम करुवा आउटसोर्स कर्मचारी अभिनव प्रतिवाद धारणास्थल में लंजा हेले आंदोलनरत कर्मचारी 78 दिन प्रतिवाद पर कहीं दाबी न शुणवर हेले नंदा बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे अघटन कॉलेज रे डाक्तरी छात्री को आत्महत्या अभियोग सन्देहजनक अवस्था मृतदेह उद्धार परिवार आणिले हत्या अभियोग मृत व्यक्ति नारे बीमा करी एलआईसी एजेंट गिरफ खोर्धा एलआईसी कार्यालय एजेंट को गिरफ कला क्राइमब्रांच ईओडब्ल्यू 23 जन मृत व्यक्ति नारे बीमा करी उठाई टंका 1,80,000 टकर आत्मसात अभियोग केबे खोलाजिबो महाप्रभु रत्नभंडार रत्नभंडार रहस्य उपरु केबे हटिबो परदा राजनैतिक दल संगठन परे आंदोलन को ओह्लैवाक पुरी रे कॉलेज पढ़ुआ छात्र छात्री चेतावनी रत्नभंडार स्थिति ने राज्य सरकार को स्पष्टीकरण दाबी एवं केन्द्र परिवेश जंगल राष्ट्रमंत्री अश्विनी चौबे दुईदिनिया पुरी गस्त सागर तट अभियान एवं आजादी का अमृत महोत्सव कले शुभारंभ पुरी बेलाभूमि को जबरदखल मुक्त करा राताराति पियाज दर डबल हो जाए एका थर के 30 टंका वृद्धि पाई पियाज दुई दिन पूर्वे किलो 30 टंकारे बिक्री होता पियाज एवं बजार 60 टंकारे बिक्री होई अचानक भाव एभली दर वृद्धि आज समस्त होश उड़ाई परिवा दर आकाश छुआ होता बेले हठात पियाज बजार लगी निया गरीब खाउटी उपरे निर्घात प्रहार कर तेरे महाराष्ट्र बेंगालुरु और आंध्र प्रदेश में लगाण वर्षा कारण पियाज दर बढ़ी बोली व्यवसायी कहते प्रतिनिधि मलय भोई संबलपुर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ मलय हठात राताराति पियाज दर बढ़िबार कारण कौन होता पारे मलय कहीं साधारणत तो आम जो नित्य व्यवहार जो पर देखती पियाज टी आवश्यक पूर्व आम देखी बारंबार पियाज दर बढ़िबा कथा कि हठात गोटे राति में 30 टंका बढ़िजार कारण कौन होता पारे निश्चित प्रकार निवेदित देखो कौटि ना कौटि ये जो ग्राहक मानक बड़ चड़क पकेला भाया कथा जे रातराति पेय दर जो बढ़ी जाटा कौटि ना कौटि समस्त को झटका मारी आम वर्तमान समय संबलपुर गर्भ्यास्थित पर मार्केट अच्छे आ मार्केट देखो आप पिज आलू दुकान रही बर्तमान समय देखु ग्राहक अच्छा और दुकानी अच्छा कि देखा आम आसूलु दुकानी सहित कथु कहते पखापाखि संबलपुर 10-15 टंका पिज दर बर्तमान समय बढ़ी क्या जो ग्राहक अच्छा पचार आजा देखु पिज पूर्व 30 टंका थी एवं रेट के आप कि एवं 40 टाँग पिज रेट अच्छे पूर्व 30-35 रेट अंदर थिला प्रभाव पड़ी पिज रात पड़ा कहीं डेली यूज लगे आम पिज दरकार से तो ये डेली यूज 40 टाँग बढ़ी गला कम 10 टाँग लगे बढ़ी गला रेट बहुत असुविधा यहाँ डेली खाऊ आम 10 के जी ना आस हाँ प्रतिदिन 5 के जी लगे ए 10 के जी नहीं फिर कल फिर बढ़ जा रेट अच्छे बहुत असुविधा हाँ ग्राहक मोपाई समस्त सब बहुत असुविधा हाँ यहाँ जितने ग्राहक कहते कौटे ना कौटी जितने रेट बढ़ुची लोकों मन में गोटे भय सृष्टि हो दोकानी को पचार आज्ञा देखु कहु बर्तमान समय पिज रेट बढ़ुच्छे आपत कहते केट थी एवं के
आगो 25-30 थिला यहाँ 40-38-35 एंता बिक्री हो छिटिया रे आगो टिके यहाँ बढ़ी जाइए यहाँ हमें मैंने यहाँ 34-35 आनु 40 टाँह बिक्री हो हाँ ग्राहक घिनु आगो कम घुनुछ ये 4 दिन 5 दिन है हफ्ते भितर बढ़ला हाँ मार्केट ठीक है चलू तेरे कौटि ना कौटि पिज दर वृद्धि उभय खाऊटी एवं विशेषकर दोकानी को पकेट को बाधुच्च हठात रातारा पिज बढ़ जबार कारण कौन हो पाए आम सहित आम प्रतिनिधि अम्य अच्छा राउरकेला प्रतिनिधि अम्य कौन कहे विशेषकर मार्केट स्थित कौन देखुं कहीं हठात रातारा पिज दर बढ़ीगला कौट ना कौटी खाऊटी पकेट को बेस बाधुच्छ एक निश्चित भाव निवेदिता खाउटी को पकेट को बाधा कैर हाँशाला को हाँशाला पिजर प्रभाव देखा पड़ी कारण 3 दिन रू 4 दिन मध्य पिज किलो प्रति 20-22 टंका वृद्धि पाई तबे गत 3 दिन पूर्व राउरकेला मार्केट कथा यदि कह राउरकेला मार्केट पिज धरला 26 टंका तेज गत काली यार रेट अच्छी 40 टंका तेज आज कौटि ना कौटि जो होलसेल मार्केट छाड़देले जो रिटेल मार्केट में यहाँ 45 टंका 50 टंका बिक्री होमें अच्छु राउरकेलार सब जो बड़ होलसेल मार्केट जो कहते हमें ट्राफिक गेट रे तबे सीधा सड़क जो बेपारी ठू पचारि बुझा केमती रही पिजर जो दर वृद्धि पर केमती बेपार ऊपर प्रभाव पड़ी आज्ञा जो पिजर रेट हठात किना बढ़ी जाइए आप बेपार ऊपर बिक्री ऊपर प्रभाव पड़ी ना आज्ञा बेपार रेट बढ़ले बेपारा बहुत कमी जाए बेपार जो प्रकार आम शस्ता हेले सिना लोक जहाँ हूँ सरकार किसी शस्ता हेले सरकार ध्यान देवे शस्ता बेपारा भल हाँ दु पैसा आम रोजगार कर पारत एबे तो बेपार जी जी आस पाए अध किलो नौ एत रेट लोक रेट शुणु शुणु आज्ञा पल पिज बिक्री कौन हम आज्ञा आगुरु राउरकेला मार्केट को जिते पिज गाड़ी आसवा कथा एवं महाराष्ट्र नासिक आदि कह कालकाटर से गाड़ी आसी पारे आगुरु जिते प्रकार आसूला अम्नानी भल था रेट शस्ता था एवं माल आसवा बहुत कमी जाए कमिया हेतु रेट बढ़ी जाइए से पर पा बहुत होगा सकाश रेट टे बढ़ी जाए से रेट हो आगुरी तुम मैंने दिल्ली तीन गाड़ी 4 गाड़ी ये आसला कतगाड़ी कौ दिन मैंने सबुद जिनस ना आलु जिनस ना तो आलुटा टी बे आसे आलुटा टी बे आसे पिजटा टे कम ना आलु समस्त घर दरकार आलुटा पिज ना भी किसी लोक मैंने पिज मैंने ना भी चली जाती कला बजारी कथा किसी तो होश्चित भाव जहाँ जना पड़े आम तो खुचुरा दोकानी एत कथा तो कही पार्बुन जहा हूँ कला बजार तो किसी तो निश्चित भाव में हो राउरकेला सेमती कम देखा भाया जिनस ना निश्चित भाव निवेदिता जो पिजर जो रेट बढ़ी महाराष्ट्र नासिक आउ कालकाटा जो गाड़ी आसवा कथा बर्षा जो पिजर आमदानी कम हो पिज गाड़ी आसी पार नहीं राउरकेला होलसेल मार्केट प्रत्येक दिन 4 रू 5 गाड़ी पिज आस 5 गाड़ी पिज आसे कि मात्र गोटे गाड़ी पिज 2 दिन थे आसूसी जो पिज रेट बढ़ी पिज रेट मार्केट प्रभाव पकई अंपटे जो होलसेलर मैंने रेल्ले जो कला बेपारी मैंने बड़ बड़ बेपारी मैंने रही है से पिज को स्टक् कर दौर निज गोडाउन ने जहाँ जोगाण विभाग दायित्व जोगाण विभाग दायित्व तापर तदारख कर कथा से क्रमागत भाव गोडाउन जांच करा कथा ताहा करूना जो ब्लाक मार्केटिंग होता नहीं एक प्रकार संदेह करवेदा ओके निहत भाव में कला बजारी बढ़िया स्वाभाविक जिते बड़े पिज दर आकाश छुआ होटना कौटी हाँशाला को बेस बाधुची पिज दर एवं कौटिना कौटी गोटे समाधान होगा दरकार जदिओ जो जगार पिज आसे विशेषकर आप बेंगालोर कथा कहतु आंध्र कथा कहतु और विशेषकर महाराष्ट्र कथा कहतु से जेहतु बर्षा लगाण भाव होती तेणु माल कौटना कौटी आसी पाने जो एभली एक स्थित उपजी बहुत बहुत धन्यवाद अमीरंजन पेड़ा राउरकेला प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी आत संबलपुर आम प्रतिनिधि बड़े भाई जोड़ी टाटा पावर कार्यालय काम करुवा आउटसोर्स कर्मचारी अभिनव प्रतिभा धारणा स्थल में लंटा हेले आंदोलनरत कर्मचारी हाथ में जाम सेजी टाटा फटो धरी जड़े जनक पर जड़े कर्मचारी लंडा होती लंडा होगापर आंदोलनकारी दाबी पूरण हुम कर स्थायी निजुक्ति दाबी कर 78 दिन है टाटा कार्यालय आगे विक्षोभ कर आसुचारह आउटसोर्स कर्मचारी किंतु टाटा की सरकार कर्मचारी का दाबी न शुणवर एमती अभिनव उपाय आंदोलन आउटसोर्स कर्मचारी पंद्रह वर्ष होगा आम कम कलु एत बड़ प्राकृतिक विपर्यस्त कम कलु बनिया बात्या सब कम कलु दीर्घ 78 स्ट्राइक बसिलु हेले भी आम दाबी कर्तृपक्ष मान लानी
बुट पालिश टू आरंभ कर लंडन हो बहुत आहरी कार्यक्रम अच्छी आते दिन पर आम जहाँ कौन कले से शुणे से ना आज लंडन टाटा कंपनी आसला 78 दिन धारणा बस आपड़ जानते आम दाबी पूरण करना 2018 मसीह जो दाबी 200 पिला पोस्ट रेगुलर करवा आउ बाकी पिला इन्स्योरेंस करवा दाबी टाक पूरण करने आज 78 दिन ओडिशा बस लुँ आम कथा किए शुणुना एणु आम महान पुरुष महान दानी आम जसीन टाटा दिन श्राद्ध दौचु एणु सी दयाक आम किसी निजुक्ति देते आम पर मंगल करवा आम पर बचू आम बचापी चाहूँ नियम उल्लंघन करी पुरी श्रीमंदिर सम्मुख को गाड़ी ने पड़ा महंगा कार्यानुष्ठान दाबी में विभिन्न महलर दाबी होगापर शेष चांदवाली विधायकों नाँ कटिला चलाण निजर क्षमतार अपव्यवहार कर सरकारी नियमर ध्वजा उड़ाइवा युव बीजेडी सभापति व्योमकेश रायों पर महंगा पड़ी विधायकों गाड़ी उपर 2000 टंका फाइन पड़ता बेले विधायकों नाँ कटि चलाण श्रीमंदिर ऐतिह सुरक्षा करिडर निर्माण पर राजनहर ठू बलराम लज और श्रीमंदिर कार्यालय ठू उत्तर द्वार पर्यंत नो पार्किंग और नो वेंडिंग जोन घोषणा करु बीजेडी हेवीवेट नेता व्योमकेश राय गाड़ी नंबर OD22N000001 को सीधासख श्रीमंदिर सम्मुख में रखी चली जाइए यार भिड को अर्थात क्षमा करेंगे यार वीडियो को सोशल मीडिया रे वायरल करते स्वाधीन पंडा नामक जड़े युवक तेरे घटना को विभिन्न महल विरोध पर बीजेडी विधायक तथा हेवीवेट नेता व्योमकेश राय उपरे ई चलाण काटा को बाध्य पुरी पुलिस बलांगीर भीम भाई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अघटन कॉलेज डाक्तरी छात्री को आत्महत्या अभियोग सन्देहजनक अवस्था तृतीय वर्ष छात्री निरूपमा नंद मृतदेह मिली सेपटे पर आनी संगीन अभियोग छात्री को हत्या करा पक्षर कह झरकार झुली केमती आत्महत्या संभव बोली पर प्रश्न कर बुधवार रात फोन और वीडियो कॉल माध्यम निरूपमा परिवार बापा माँ भाई और भौणी सह कथा होते कि राति 12टा पर मेडिकल रु फोन कर झी आत्महत्या कर खबर पहुंचा पर लोकों निकट संगे मिलमिशे समस्त हस्टेल जदि किसी असुविधा है ना से आम संगे संगे पुलिस को डाकिलु पुलिस जहाँ इनभेस्टिगेशन कर रोल नुह आम किए फोन कला कौन कला से सब तो पुलिस को आम सब जनईद लिखिक पूरा दे सन्देह तो सब सन्देह तार मैंने आहरी घनीभूत करें एक्चुअली किए काण कर ना ही सेना गोटे सीसीटीवी अच्छे एडे बड़ कलेज किसी काम नहीं करवा कहन आने भी स्टेटमेंट बदलाते जाऊन एवं जनता कहीन कि केमिकाल स्मेल आने समस्ते थे आईआईसी थे समस्ते थे पूरा फोर्स थे समस्ते थे क्या से स्मेल नहीं आसला एवं सडन सकाल से केमिकाल स्मेल आसला बेल याद पड़ेगा हाँ जोटा से सन्देह कर मोबाइलटा से रखी फैमिली मेम्बर्स रखी कहुई मोबाइलटा पुलिस को जिमा देवाई से जोटा तार कॉल डिटेल कि जहाँ भी अच्छी सीटा बाहर कला जो जहाँ ये आसवि कौन थी इनक्रिमेंटिंग जोटा भी थी पीएम रिपोर्ट आसला ही आम से आगे तदंत आगे नहीं आम 8 बजे वीडियो कॉल कथल डिप्रेसर थिला भाया कि नहीं लग्ला आम हसी खुशी रे समस्ते कथल ना जानपाल से डिप्रेस अच्छे बोली फोन आसला मेडिकल कॉलेज 12:10-12:15 कॉल आसला आम घर के झरकार झरकार होली कि फास्ट टाइम इतकी दिन भितर हमें फास्ट टाइम शुणु जो झरकार फासी लगे कि 6 फुट झरकार एंता गोटे पतला स्कार्प रे फासी लगे कि जन डेथ हो सुनवाटा आमको तो विश्वास नहीं हबार कह के भी आम सर समय को छोटो ब्रेक रहा ब्रेक पर फिर कुछ खबर देखा केबे खोला जीवो महाप्रभु को रत्न भंडार केबे रत्न भंडार रहस्य उपर हटिबो परता रत्न भंडार स्थिति दे सरकार देबे की स्पष्टीकरण विभिन्न राजनैतिक दल संगठन व्यक्ति विशेष ए प्रसंग रे राज्य सरकार को काठगड़ा को टाणुथुआ बेले एबे पूरी सरर कॉलेज पढुआ छात्र छात्री माने मध्य ए प्रक्रिया रे निजो को शामिल करिसथि केबे खोला जीवो महाप्रभु को रत्न भंडार केबे रत्नभंडार रहस्य उपरू हटिबो परदा रत्नभंडार स्थिति नै सरकार देबे कि स्पष्टीकरण एबे रत्नभंडार स्थिति नै सूचना अधिकार आईन बळरे गोटिए परे गोटिए गुरुत्वपूर्ण तथ्य लोकलोचन को आसुचि जहाँ नै राज्य सरकार को मिछ धरा पड़िबारे लागिथिबा बळे रत्नभंडार स्थिति नै राज्य सरकार को स्पष्टीकरण दाबी जोर धरिचि विभिन्न राजनैतिक दल संगठन ठारु आरंभ करी व्यक्ति विशेष माने मध्य
एने राज्य सरकार को काठगड़ा टाणुंट एसबु मध्य पुरी सहर कॉलेज पढ़ुआ छात्र छात्री माने मध्य एही प्रक्रिया रे निजकु शामिल करथिबा देखिबाकु मिलिछि आमे माने निहाती भाबरे तांको आंसर मागिबा आमे जदि आगु कसिबा आज्ञा जेहेतु महाप्रभु हमर आराध्य देवता तमे आंसर मागिबा एटा हमर हक तमे हम हक को कहि कि पछरे पकेबा तमको निहाती भाबे हम हक को मागि के आनिबार अछि आ मन डाउट एटा चोरी हिछ कारण जदि चोरी न होइ त तले हम सरकार जाए जे तो पूरी भितर एते ना अछि हम गोटा जेंति देखै थांदा कि कहि थांदा कि आ विषय न्यूज आस्तांदा किछि भी आसुनी आमे चाहूछु मीडिया रे लाइव टेलीकास्ट हो रत्नभंडार माने समस्त रत्नकार आसिक समस्त लोकलोचन को आसू केते रत्न अछि तार गोटे लिखित आकार प्रशासन ये को जाना तुरंत राज्य सरकार एथिप्रति दृष्टि देले आमे ओडिशावासी समग्र विश्ववासी सन्देह दूर हबो नियम अनुजाई प्रति तीन वर्ष रत्नभंडार जांच होगा कथा तेरे दीर्घ तीस वर्ष हे कौन पर रत्नभंडार खोल जाना चाबी सतरे हजि ना रत्न चोरी सत लुचाइवा को सरकार चाबी हजिबा प्रसंग उठाई जनसाधारण को भुआ बुलाऊपरिक चाबी हजिबा घटनार तदंत रघुवीर दास कमिशन रिपोर्ट को सरकार चापी रखिंट जहाँ सार्वजनीन नक सरकार भूमिका उपर सन्देह सृष्टि कर देखु मझीरे रत्नभंडार चाबी हजिबा को लेकिन सरकार गोटे रघुवीर दास कमिशन बसईले पछरे 22 लाख टंका खर्च होता किंतु आज जाए तार सठिक रिपोर्ट पुरीर जनसाधारण आ जगन्नाथ प्रेमी मानू सठिक रिपोर्ट मिलना एथपाई आम मनरे सन्देह सृष्टि हो जगन्नाथ रत्नभंडार विभिन्न प्रकार बहुमूल्यवान जिनस चोरी जदि सठिक रिपोर्ट आगामी दिन में सरकार जगन्नाथ प्रेमी मान नदे तो पुरीर सब छात्र छात्री माने एकाठी होई विरोध करिवे आगामी दिन में पुरी बंद डाकरा मध्य दिजिव आम जानबाक इच्छा परिबोध कि रत्नभंडार जल्दी जांच करा जाऊ एवं लोक मानक निहत भाव में स्पष्टीकरण दौचु कि यदि जांच करा नजर तो आगामी जो इलेक्शन आसूरी कलेज से भाव में बर्जन करूँ के आक्सेप्ट करूना तुरंत रत्नभंडार खोल जा सुना अलंकार जांच करा रिपोर्ट सार्वजनीन करा नहले आगामी दिन में बड़धरण छात्र आंदोलन मुंड टेकवा नहीं छात्र छात्री माने चेतावनी देचंती पुरीरु वीडियो जर्नलिस्ट सनातन को सह आलोक आशुतोष का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। केन्द्र परिवेश और जंगल मंत्री अश्विनी चौबे दुदिनिया पुरी गस्तरे आसी सागर तट अभियान और आजादी का अमृत महोत्सव शुभारंभ करिसंती। पुरी बेलाभूमि सौंदर्यीकरण पर सीआरजेड नियम को पालन करा बेलाभूमि को जबरदखल मुक्त को निर्देश दिया जाए कहते अश्विन यह अवसर में केन्द्रमंत्री बेलाभूमि गच्छ लगाई परिवेश सुरक्षार बार्ता देते केन्द्र परिवेश मंत्रालय बार्ता मो बीच सुरक्षा मु करी देशर आज एककालीन 10 बेलाभूमि यह कार्यक्रम कर सचेतनतार बार्ता दि जा केन्द्र जलशक्ति और आदिवासी कल्याण राष्ट्रमंत्री विश्वेश्वर टुडु संबलपुर गस्त समय से पश्चिम ओडिशार अधिष्ठात्री देवी मां समलेश्वरी को दर्शन करी नवरात्र समय समलेंक दर्शन पाइबा मोर सौभाग्य बोली केन्द्रमंत्री आज सका हीराकुद और स्थानीय पानी जल विभाग उपरे से रिव्यू कर आशीर्वाद यात्रा जो द्वितीय पाली प्रथम करे नुआपड़ा पहुंची थी 5 तारीख दिन आज तृतीय दिवस एवं माँ को दर्शन हला पुणी आम बारगढ़ देवगढ़ एमती विभिन्न जगह जीवा ये गुटे मोदी सरकार जो 7 वर्ष पूर्ति अवसर में कौन कौन जनकल्याणकारी योजना से विभिन्न दिगर जो देशपाई जहाँ जहाँ से करते बार्ता घरे घरे गाँव गाँव में पहुँचापी ये गोटे जन आशीर्वाद यात्रा एवं जनता आशीर्वाद नहीं करी पुणी आउ थे आम कमी भल कम कर सुजोग पाए ये प्रथम कथा द्वितीय कथा हूँ आज गोटे सौभाग्य प्राप्त कली माँ को दर्शन है माँ को पाखु आशीर्वाद नहीं करी केमती आमको शक्ति संचार हो आम खाली राज्य नुह सारा देशपाई केमती कम कर सब
କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ଘେରାଉ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ସହରରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାମେଲା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ମରାମତି କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଗୋଲବଜା ସ୍ଥିତ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ସହ ମୁଦିପଡ଼ା ଛକର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗମନାଗମନରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ଓ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଟୁଡୁ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅପହରଣର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅପହରଣ ଖବର ପାଇ ସଜାଗ ଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀ। ଯାତ୍ରୀ ବେଶରେ ବିମାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବିମାନ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ, ହେଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭିତରେ, ଯାହା ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଅପହରଣକାରୀ। ଏଭଳି ଭାବେ ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍କୁ ଚଲାଇଥିଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। एंटी हाईजैकिंग मॉक एक्सरसाइज होती है कि अगर कभी कोई हाईजैक हो जाए एयरक्राफ्ट तो उसको हर एयरपोर्ट लेवल पे कैसे उसको हैंडल करा जाए उस सिचुएशन को, तो उसी के लिए रिफ्रेशर कोर्स की तरह होता है जो साल में दो बार होता है, जिससे कि आदमी नए नए ट्रांसफ़र पे आते रहते हैं लोग, तो उसको हर नया आदमी उसको मतलब एक्सपर्टाइज हो जाए उसमें। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଅସ୍ରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପୋଖରୀ ଭ୍ରମ, ଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଗୋଟିପଟେ ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କରିବାକୁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ୟା କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କରିବାକୁ ହେଉଛି ଅନେକ ଯୋଜନା। ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ବାସ୍ତବତା କ'ଣ? ଏ କୌଣସି ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ, ଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳୁ ପାର୍ବତୀ ସାଗର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମରାମତି ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ବିଶ୍ରାମାଗାର। ଲୋକ ତ ଭକ୍ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଅସୁବିଧା, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଆସିଥିଲି, ଠାକୁର ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ, କ'ଣ ମନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଘରେ ରହିପାରିଲିନି, ଖାଲି ଆସିବେ ଖାଲି ଠାକୁର ଡାକିଲେ, ମୋତେ ବର୍ଷାରେ ବି ଠାକୁର ଡାକିଲେ ଆସିଲା, ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦୁଃଖ କହିଦେବି, କ'ଣ ଜଣେଇଦେବି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମୟ ବସିଯିବି, ଏମିତି ଭାବିକି ଆସିଥିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ। ମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କିଏ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆଜି କିଛି ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ କିଛି ନା ଆଜି ସୁବିଧା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁରୀବାସୀ ବି ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ଆସୁ ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହଇରାଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଅବହେଳିତ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭାପତି ତଥା ପୁରୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହା ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ତ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୋଧେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ନୂତନ ଗଠନ କରାଯାଇନି,
ତେଣୁ ସେ ଉପରାଧିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଛି କାରଣ ସେଠି ଯେହେତୁ ବାରଦିଶାଗର ପୋଖରୀ ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିଲେ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିପାଇଁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଛି। ଆମ ଫାୟାରର ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବେ ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ସେଇ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ କରାଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଅବହେଳିତ ଭାବେ ରହିଥିବା ଏହି ଐତିହ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଡ଼ି ସରିଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।